बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना, वो होगा हमारे पास इस्लामियात नाइन्थ क्लास लाजमी। इसका हम सबसे पहले पेपर देखते हैं। बच्चों आपके पास पेपर कब है? नाइन्थ डेट शीट एग्जाम 2024 को बच्चों आपके पेपर जो स्टार्ट हो रहे हैं। 19 मार्च को बच्चों आपका इंग्लिश का पेपर होगा, उसके बाद बच्चों आपका इस्लामियात कम्पल्सरी का बच्चों पेपर होगा। 2 अप्रैल 2024 को लास्ट पेपर है आपका इस्लामियात कंपलसरी का। अगर हम सबसे पहले इस्लामियात कंपलसरी के बच्चों टॉपिक में आपको बताऊं ना, तो 29 आपके पास टॉपिक है। अगर हम 29 टॉपिक्स में एमसीक्यूज देखें तो 145 आपके पास एमसीक्यूज हैं, 143 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 45 बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। 50 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा, जिसमें से 10 मार्क्स के बच्चों आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुरान मजीद और हदीस नबी, इमानियात और इबादत, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अखलाको अदाब में से बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम हुसन मामलात और माशरियात में से देखें और हदायत के सर चश्मे और इस्लामी तालीमात में से देखें, तो बच्चों इसमें से आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास हदायत के सर चश्मों में से आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, और इसके साथ जो जीम वाला पार्ट बनना है ना, वो हुसन मामलात और इस्लामी तालीमात में से इन दोनों में से आपके पास 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, अली बे और जीम। और 3 नंबर की बच्चों आपके पास हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से मुंतहिब अहदीस मुबारका में बच्चों आपके पास टोटल 10 अहदीस है, जिसमें से आपके पास 3 नंबर की हदीस बच्चों आनी है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इमानियात इबादत में से या सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से इनमें से आपके पास 2 लॉन्ग आएंगे, जिसमें से आपने 1 लॉन्ग अटेम्प्ट करना होगा। अब अगर हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें ना, तो बच्चों तारुफ कुरान मजीद, ईमानियात और इबादत, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखलाको आदाब में से बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 6। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों आपके पास कुरान मजीद की तदवीन और इसकी हिफाजत। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें ना, तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जस्ट इन शॉर्ट क्वेश्चंस में है, इसमें आपके पास कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसमें आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले देखें, इनर वाले हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों आपके पास एक ही इनर वाला शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके एमसीक्यूज की बात करें ना, तो आप अपनी स्क्रीन पर इसके एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। इसके बाद बैक शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अगर हम सबसे पहले वाले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें ना, तो कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ कल बंद कीजिए, इसका आप आंसर भी देख सकते हैं। कुरान मजीद ऐसी वाहिद किताब है यहाँ से लेकर नाजिल हुई। अगर हम इसके इनर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें ना, लफ्ज कुरान मजीद का लघु और इस्तलाही मायने तहरीर कीजिए। बच्चों इसी में से ये देखें, ये आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया और उसी का इनर आ गया, यानी कि आपके पास ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और इनका आंसर एक ही है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, कुरान मजीद के क्यामत तक महफूज होने की वजह बयान कीजिए। इसका आंसर है बच्चों आपके पास, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हुए इरशाद फरमाया, बेशक हमने ही इस जिक्र कुरान को नाजिल फरमाया और बेशक हम ही इसकी जरूर हिफाजत फरमाने वाले हैं। ये तो हो गया आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर इसी का वो इनर पूछता है, कुरान मजीद के क्यामत तक के लिए महफूज होने की 2 वजूहात लिखिए, हिफाजत कुरान मजीद के मुतल्लिक कुरानी आयत का तर्जमा लिखिए। ये देखें, 2 आपके पास इनर है और 1 आपके पास बैक शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है जिसका एक ही आंसर है। अगर हम लास्ट वाले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें ना, अहदे रसालत में तदवीन कुरान मजीद की वजाहत करें, इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या होता है, वो कंसेप्चुअल टाइप पेपर बना देता है कि जिससे बच्चों को समझ नहीं आती कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। या इसी का वो एक और क्वेश्चन इनर भी आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान मजीद किन चीजों पर लिखा जाता था, ये वही आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है जो अभी हम बैक में डिस्कस करके आए। ये देखें, ये हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। अगर हम गेस्ट पेपर 2024 की बात करें तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कुरान मजीद हदीस नबी के आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगर मैं आपको दिखा दूं ना शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखें, कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ कल बंद कीजिए, ये बैक शॉर्ट क्वेश्चन था, ये मैंने लिखा भी हुआ, ये मश्की शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद लफ्ज कुरान का लघु और इस्लाही मायने, यानी कि ये दोनों का बच्चों आपके पास एक ही आंसर है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, कुरान मजीद के क्यामत तक के लिए महफूज होने की वजह बयान करें, मश्की है और इजाफी चेक करें उसने कितने इजाफी दिए हुए हैं। हिफाजत कुरान मजीद के मुतल्लिक कुरानी आयत का तर्जमा लिखें, आयत का तर्जमा लिखें, कुरान मजीद के महफूज होने की 2 वजूहात लिखिए, कुरान मजीद एक महफूज तरीन किताब क्यों है, यानी कि इन सब का बच्चों आपके पास एक ही आंसर है। अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, उन सब का एक ही आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ओहदे रिसालत खातमुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम में तदवीन कुरान मजीद, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान मजीद किन चीजों पे लिखा जाता था, ये वही शॉर्ट क्वेश्चन है जो अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं। और आपके पास पहले वाले टॉपिक में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, आपने इसको सिर्फ अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। हदीस नबी वाले टॉपिक में बच्चों आपके पास कोई भी इतने अहम शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन याद रखें मेरी प्यारी शहजादियों, मेरे प्यारे शहजादों, जो आयत आनी है ना आपके पास, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, ये देखें आप अपनी प्यारी आंखों से देख सकते हैं, जिनको ग्लासेस नहीं लगी हुई है वो ग्लासेस लगाकर देखें, मुंह हाथ धोकर देखें, खाना पीना खाकर देखें, फ्रेश होकर देखें, अगर आपको मेडिसिन की जरूरत है मेडिसिन लेकर देखें, अगर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपके पास 3 नंबर की 1 हदीस आनी है, 1 नंबर का बच्चों आपके पास उसकी ट्रांसलेशन आनी है, और 2 नंबर की बच्चों आपके पास उसकी तशरीह आनी है। बाद में ना कहना कि सामने किसी ने दसे ही नहीं। अगर मैं हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एमसीक्यू देखूं, आपको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके बाद हदीस नंबर 1, 2, 4, 5 एंड 9 वेरी वेरी बच्चों आपके पास इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में 3 नंबर का। हाय 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 हाय। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास ईमानियात और इबादत, इसमें से बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। इसके अगर मैं सबसे पहले बच्चों आपको इनर शॉर्ट क्वेश्चन दिखा दूं ना, तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी अकीदा क्या है, इसी का एक और कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, अकीदा तौहीद के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, वजाहत कीजिए। ये बेटा आपके पास इनर शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इनर शॉर्ट क्वेश्चन को ऐसे नहीं समझना ऐसे मजे लेके, आपने जस्ट इसके जो बैक शॉर्ट क्वेश्चन है बस आपने ये नहीं करने, इनर वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये मेरे पास पास्ट पेपर पड़े हुए हैं, ये आपके पास 1, 2, 3, 4 अगर आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 बेटा आपके पास इनर शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं। आप कोई सा भी पेपर देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन इनर आए हैं और सिर्फ 2 बैक शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट देख लें, कोई सा भी पेपर आप उठा के देख लें, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास इनर शॉर्ट क्वेश्चन है, इनर शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं निशान लगवा रहा हूँ उसको निशान लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास इनर शॉर्ट क्वेश्चन, अल्लाह ताला का अपने बंदों पर सबसे अहम तरीन हक कौन सा है, ये देखें एक पिद्दे सा क्वेश्चन है आपके पास, अल्लाह ताला का अपने बंदों पर अहम तरीन हक इसकी वहदानियत पर ईमान रखना है। ये 2 नंबर का बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आना है। इसके बाद बच्चों आपके पास अकीदा तौहीद की कितनी इकसाम है, इनके जस्ट आपने नाम लिखने, इसके बाद सिफात में शिर्क है, इसके बाद ये वेरी वेरी बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो। इसी तरह आपके पास इसी में से आपके पास दूसरा लॉन्ग है अकीदा तौहीद असरात तहरीर के, और इसी में से बच्चों आपके पास इनर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अकीदा तौहीद के इंसानी जिंदगी पर 2 असरात बयान करें। अगर हम इसके बैक शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें ना, तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अकीदा तौहीद का मानी मफहूम, शिर्क का मफहूम, और इसके बाद अकीदा तौहीद की 3 इकसाम। हाय 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 हाय, क्या कहने, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अगर कर लिए ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बोर्ड एग्जाम में ईमानियात और इबादत में से ये वाला इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाना है। अगर मैं आपको गेस्ट पेपर 2024 ईमानियात और इबादत अकीदा तौहीद के बच्चों अगर मैं आपको एमसीक्यूज भी दिखा दूं, आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज भी देख सकते हैं, इसके बाद अगर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखा दूं ना, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस्लाम में दाखिल होने के लिए बुनियादी अकीदा क्या है, या फिर वो इसी का कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अकीदा तौहीद के बगैर कोई शख्स मुसलमान क्यों नहीं हो सकता, वजाहत करें। और ये चेक करें अकीदा तौहीद की 3 इकसाम लिखे, ये तो बच्चों आपने ना लॉन्ग क्वेश्चन में आपने कर लेना है, क्योंकि ये शॉर्ट शॉर्ट मिलाकर भी अगर आप करते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में 2024 में आ सकता है। अगर बच्चों आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हो ना, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि पूरा पूरा जो पेपर है उसमें से कितने कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जाम 2023 में इस्लामिया आद के बच्चों हमारे बच्चों के 50 में से 49 नंबर आए हैं, और टोटल नंबर चेक करें 517 है। इसी तरह इशाल के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 522 नंबर है, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो में 60 में से 59 कुरुतुलैन फातिमा के बच्चों आप रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 535 नंबर है, और इसके इस्लामिया में नंबर चेक करें 50 out of 50 है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 60 60 60। क्या बात है, हम जो आपको स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअल टाइप पेपर देते हैं ना, अल्लाह के हुक्म से पूरा पूरा पेपर वही आता है। अगर आप भी 9th साइंस ग्रुप आर्ट सब्जेक्ट गेस्ट पेपर 2024 तजमतुल कुरान न्यू बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक है, पाक स्टडी की बच्चों न्यू बुक है, इंग्लिश उर्दू इस्लामिया कंपलसरी की, सारे सब्जेक्ट्स के अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए और आप 500+ मार्क्स गेन करना चाहते हैं, गारंटी है कि अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 500+ मार्क्स इन एग्जाम 2024। मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया था कि एग्जाम 2023 में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमसे गेस्ट पेपर बाय किए उनके 500+ मार्क्स आए हैं, गारंटी है कि अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 500+ मार्क्स। इन सारे गेस्ट पेपरों की प्राइस है 1999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। इसके अलावा
बच्चों हमारे पास जनरल साइंस है, जनरल मैथ है, एजुकेशन है, होमिक है, फिजिकल एजुकेशन है, पंजाबी है, एथिक्स है, सिविक्स है, आर्ट्स के भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। अगर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स चाहिए तो आपने घर मंगवाने के लिए भी हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करना और क्लास 9th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। और अगर आपको किसी चीज का पता ना चल रहा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 03234516277 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। अकीदा रसालत की बात करें तो बच्चों अकीदा रसालत में रसालत के लघु और इस्तिलाही मायने बयान करें। इनर शॉर्ट क्वेश्चन है अनबिया इकराम अलैहिस्सलाम की कोई दो खुशियात। इनर शॉर्ट क्वेश्चन में अकीदा नबूवत के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जमा लिखें। और इसी का बच्चों आपके पास बैक जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है अकीदा हतमे नबूवत के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जमा लिखें। रसालत की खुशियात ये आपके पास इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। हाय 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 मलाइका आसमानी कुतुब और आहरत पर ईमान बच्चों वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहला ही लॉन्ग पता है क्या है? आसमानी कुतुब और फरिश्तों पर ईमान। अगर हम इसके इनर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें ना आसमानी किताबों की मुश्तरका तालीमात अकीदा रसालत के इंसानी जिंदगी पर दो असर आती है हमारे पास इनर दो शॉर्ट क्वेश्चन। अगर हम बैक शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों ये बैक शॉर्ट क्वेश्चन चार आसमानी किताबों के नाम लिखिए, फरिश्तों की सबसे अहम खूबी क्या है, आहरत का मायने और मफहूम वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। हाय 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 क्या कहने आसमानी कुतुब और फरिश्तों पर ईमान लाने के क्या कहने। इसमें से बच्चों आपके पास एक लॉन्ग आना ही आना है। इसके बाद अगर मैं बच्चों आपको गैस पेपर 2024 के बारे में बताऊं ना तो आप शॉर्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अकीदा तौहीद अकीदा रसालत और आसमानी किताबें ये आपके पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, इन सब का बच्चों एक ही आंसर है। ठीक है आप देखें आसमानी किताबें ईमान अल बाल मलाइका पर तफसीली नोट लिखिए, इन सब का बच्चों आपके पास आंसर एक है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज है ना वो डिफरेंट है। हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। एग्जाम 2023 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस जो हमने गैस पेपर में बताया था अल्लाह को कम से पूरा पेपर उसी में से आया। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। चैप्टर नंबर 1 में से है डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड गिव टू एग्जांपल व्हाट इज प्रीफिक्सेस राइट एन एग्जांपल। चैप्टर नंबर 1 में से है व्हाट इज मीन बाय बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स डिफाइन बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। चैप्टर नंबर 2 में से डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। चैप्टर नंबर 3 में से है डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। चैप्टर नंबर 3 में से है राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट राइट टू डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने कितने अटेम्प्ट करने थे? हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफाइन टॉर्क एंड मोमेंटम डिफाइन टॉर्क डिस्क्राइब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद एल्टीट्यूड जी की जो वैल्यू है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्यों होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस डिफाइन वर्क एंड एसआई यूनिट डिफाइन वर्क एंड एसआई यूनिट डिफाइन बायोमास इज बायोमास इज मीन्ड बाय पावर एंड वॉट डिफाइन पावर वॉट। हमने अटेम्प्ट कितने करने थे? हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफाइन प्रेशर एंड राइट इट्स फॉर्मूला डिफाइन प्रेशर डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट प्ले इन ग्लासेस व्हाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन ग्लास व्हाट इज मीन बाय कन्वेक्शन करंट राइट टू यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर व्हाई आर द मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट। 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। 1, 2, 3, 4, 5 लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लॉन्ग हमारे पास आया चैप्टर नंबर 2 में से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए हमने आपको गैस पेपर में बता दिया था सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी ड्राइव इट्स इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन। एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाते हुए अमल कर रही है ऐसे बच्चों हमने कितने अटेम्प्ट करने थे? सिर्फ हमने यहां से 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। उम्मीद है आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गैस पेपर बाय किए होंगे इंशाल्लाह उनके 60 out of 60 मार्क्स करके आए होंगे। डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द साइज ऑफ एटम डिक्रीज इन अ पीरियड व्हाई साइज ऑफ एटम डिक्रीज इन अ पीरियड व्हाट इज मीन बाय आयन डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन डिफाइन शेल्डिंग इफेक्ट व्हाई द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज हायर देन फर्स्ट वन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने कितने अटेम्प्ट करने थे? सिर्फ 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। 1, 2, 3, 4, 5 व्हाट इज मीन बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ही है व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट द नेम्स ऑफ एनी 4 नोबल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 लीस्ट रिएक्टिव मेटल। हमने अटेम्प्ट कितने करने थे? 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे और हमसे अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकिन हमने कितने अटेम्प्ट करने थे? सिर्फ 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। डिफरेंशिएट बिटवीन डिल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डिल्यूट सॉल्यूशन डिफाइन एक्वियोसिस सॉल्यूशन डिफाइन व्हाट इज
परसेंटेज मास बाय मास इज मीन बाय मास बाय मास फाइन रिडॉक्स रिएक्शन विद एन एग्जांपल डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्साइडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट फाइन ऑक्साइडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट डिफाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस देखे हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेकिन हमने कितने अटेम्प्ट करने थे सिर्फ 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने थे। लॉन्ग क्वेश्चन में तो यार पूरे गेस्ट पेपर में से अल्लाह के हुक्म से हमारे ही गेस्ट पेपर में से पूरा पेपर आया लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें रेज एंड फोर कैरेक्टरिस्टिक्स थोर रेज एंड प्रॉपर्टी चैप्टर नंबर 1 देखे मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल आयन कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स 3 टाइप्स विद एग्जांपल आयन वाइपर प्रेशर एंड हाउ इट इज इफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स पर प्रेशर। हमने कितने अटेम्प्ट करने थे सिर्फ हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे ए बी ये भी हो गया हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन से ए बी के सेंस में अटेम्प्ट करने थे पूरा पेपर। अगर जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए होंगे अल्लाह के हुक्म से उनका पूरा पेपर हुआ होगा। हमारे गेस्ट पेपर में से क्या क्या पेपर में आया फाइन बायोग्राफी व्हाट इज बायोग्राफी फाइन मैक्रो मॉलिक्यूल डिफरेंशिएट माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल विद एग्जांपल हाउ हाइपोथेसिस इज मेड डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफाइन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फाइन टैक्सा एंड टैक्सोनॉमी हायरार्की टैक्सोनॉमी एपोप्टोसिस बिटवीन स्टोमिक सेल्स डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस डिफाइन फोटोसिंथेसिस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन डिस्क्राइब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एंजाइम्स इन पेपर इंडस्ट्री व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम इन पेपर इंडस्ट्री कोफैक्टर्स कोएंजाइम्स डिफाइन कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन व्हाट इज गोइटर। लॉन्ग क्वेश्चन में तो कमाल कर दिया जो हमारे गेस्ट पेपर में था अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं डिफाइन प्लास्टिड्स व्हाट आर प्लास्टिड्स जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में दिया था अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर आया है। हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ये देखिए हमने अपने गेस्ट पेपर में बताया था 5 किंगडम सिस्टम हमने गेस्ट पेपर में बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने चैप्टर 3 में बताया वही आया जो चैप्टर 7 में बताया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से चैप्टर 4 में जो बताया वही आया अल्लाह के हुक्म से। अगर इस तरह के गेस्ट पेपर है ना किसी के पास तो लाजमी अपने एग्जाम्स के बाद ना 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बाद लाजमी स्टूडेंट्स को बताया कि ये देखें हमारे गेस्ट पेपर में से क्या क्या आ रहा। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि यार जो हमने गेस्ट पेपर दिया था ना बच्चों वही गेस्ट पेपर में से पूरा पेपर बन गया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज प्रोटोटाइप व्हाट इज मीन बाय एल्गोरिदम डिस्क्राइब द इंपोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपर टेक्स्ट हमने कितने अटेम्प्ट करने थे सिर्फ हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे प्रोटोटाइप 1 एल्गोरिदम इज द इंपोर्टेंस ऑफ हमारे पास हाइपर टेक्स्ट कितने हमने अटेम्प्ट करने थे बच्चों 4 1 2 3 4 व्हाट इज मीन बाय हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम व्हाट डू यू नो अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम व्हाट इज मीन बाय द मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी व्हाट इज कंपाउंड प्रीपोजिशन व्हाट इज मीन बाय ट्रुथ टेबल एक्सप्लेन द फ्रॉड एंड मिसयूज व्हाट इज मीन बाय ट्रेड सीक्रेट इसमें से देखो बच्चों हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं लेकिन हमने कितने करने हैं सिर्फ 4 क्वेश्चन हमने बस अटेम्प्ट करने हैं। डिफाइन प्रोटोकॉल व्हाट इज प्रोटोकॉल राइट द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इन डाटा कम्युनिकेशन डिफाइन IPv4 एड्रेस राइट द यूज ऑफ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डू यू नो अबाउट हेड सेक्शन ऑफ HTML पेज राइट द यूज ऑफ एंगल टैग इन HTML पेज व्हाट इज द यूज ऑफ एंगल टैग इन HTML पेज यहाँ पे हमने कितने अटेम्प्ट करने थे सिर्फ 4 है हमने अटेम्प्ट करने थे और हमने अटेम्प्ट कितने हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन में देखें राइट द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम विद एग्जांपल राइट अ डिटेल नोट ऑन राउटर राइट अ नोट ऑन फोर टाइप्स ऑफ प्राइवेसी यहां पे देखें बच्चों हमने 3 के 3 क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर में से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से आए हैं। कंप्यूटर साइंस का ये पेपर है जिसमें पूरे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके सामने अटेम्प्ट हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हुए हैं। अगर किसी चैनल ने इस तरह की वीडियो बनाई है स्पेशली BCPM साइनर जो बार बार स्टूडेंट्स को कहता है कि जी हमारे गेस्ट पेपर में से बच्चों के A+ मार्क्स आ रहे हैं कौन सी बुक्स से आ रहे हैं
अगर आपके पास प्रूफ है तो इस तरह का प्रूफ दिखाएं, क्योंकि हमारे, याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे जो गैस पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हर साल हम अपडेट करते रहते हैं। अगर किसी चैनल में हिम्मत है तो इस तरह के गैस पेपर अपलोड करें और प्रूफ भी दिखाएं स्टूडेंट्स को कि आपके गैस पेपर में से क्या क्या आ रहा है। अगर आपको भी 9th साइंस ग्रुप गैस पेपर 2024 चाहिए जिससे आप 500 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो अभी हमारी वेबसाइट maths.com पर जाएं और क्लास 9th के गैस पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। अगर आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। और इंशाल्लाह अगर आप हमारे गैस पेपर बाय करते हैं, गारंटी है यू विल गेन 500 प्लस मार्क्स इन एग्जाम 2024। नमाज वाले टॉपिक में बच्चों जस्ट आपके पास दो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नमाज के दो रूहानी फायदे लिखे, ये वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। और दूसरे नंबर पे बच्चों नमाज की दो शराइत लिखें। रोजे की बात करें तो रोजे का लघु और इस्लाही मायनी हमारे पास इनर में है। इनर शॉर्ट क्वेश्चन में इत्तकाफ क्या है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तकाफ के बारे में क्या मामूल था। इनर शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों आपके पास इंपॉर्टेंट है रमजानुल मुबालिक के महीने में हमारे लिए क्या अमली सबक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ना, तो बच्चों नमाज और रोजा हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने जो इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से करने ना, कीदा तौहीद, कीदा रिसालत और आसमानी कुतुब है। फतह मक्का बच्चों हमारे पास सुलह हुदैबिया का मुआहदा किन दो कबाइल के दरमियान हुआ, और हमारे पास इनर में शॉर्ट क्वेश्चन है फतेह मक्का के दो वजूहात लिखे। इनर में बच्चों आपके पास फतेह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों के साथ क्या किया, और इसी का बैक शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास फतेह मक्का के मौका पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या सआदत हासिल हुई, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। गज़वा हुनैन में बच्चों अगर हम बात करें तो इनर शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे गैस पेपर अपने घर मंगवाते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, सारे बुक्स के आपको कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप हमारे गैस पेपर घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो हमारी वेबसाइट maths.com पर लाजमी विजिट करें जिससे आपको तर्जमतुल कुरान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट के गैस पेपर आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस अवेलेबल है जिससे आप 500 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये देखें एग्जाम 2023 में हमारे स्टूडेंट्स ने नंबर लिए भी हुए हैं, 517 नंबर है, 522 नंबर है, 535 नंबर है, सादिया के 537 नंबर है, रोल नंबर भी आप अपने से देख सकते हैं। अगर आप भी 500 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी हमारी वेबसाइट पर जाएं, ये ना हो कि हमारे पास गैस पेपर खत्म हो जाए और लास्ट में हमारे पास गैस पेपर खत्म हो जाते हैं। जल्दी जल्दी अपने घर मंगवाएं जिससे आप 500 प्लस मार्क्स गेन कर सके। फतह मक्का की बात करी, गज़वा हुनैन की बात करी, उम्मुल वफ्द की बात करी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौके इबादत, यहां से बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहावत और एहसार, यहां से बच्चों आपके पास गारंटी है कि 100% एक लॉन्ग आने ही आने। हमने बात कर ली चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब देखें हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। यहाँ से बच्चों आपके पास देखें आपके पास क्या है। चैप्टर नंबर 5 में कसम के अहकाम और मसाइल, गवाही के अहकाम और मसाइल, हकुकुल बाद, हकुकुल बाद में से बच्चों आपके पास वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन। इसी तरह हदायत के सेट चश्मे की अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ से आपके पास दो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अहले बैत में बच्चों हजरत ज़ैनुल आबिदीन है, सहाबा किराम में अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उमर बिन उमैया है, इनमें से बच्चों आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आने ही आना है। इसी तरह बच्चों आपके पास सहाबियात है, सूफिया इकराम है, उल्फा मुफक्किरीन है, यहाँ से बच्चों आपके पास एक लॉन्ग आएगा। लास्ट में हमारे पास इस्लामी तालीमात है, खुद इतमादी और खुद इन्हेसारी की। अगर मैं आपको बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर दिखाऊं ना, ये देखें आप अपनी स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप है। इसी तरह लास्ट में बच्चों आपके पास जिस्मानी और ज़हनी सेहत और जिस्मानी रियाजियात, ये आप अपनी स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और लास्ट में बच्चों आपके पास खुद एतमादी और खुद इन्हेसारी के वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। चार नंबर का बच्चों आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आना है एग्जाम 2024 में। अगर आप हमारे गैस पेपर घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है, तो बच्चों आप अभी हमारी वेबसाइट maths.com पर लाजमी विजिट करें जिससे आप 500 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। गारंटी है कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ पूरे पूरे नंबर भी गेन करना चाहते हैं ना, तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमसे गैस पेपर बाय किए थे ना, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कुरुतुल ऐन फातिमा के बच्चों 60 out of 60 है, रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह बच्चों सादिया के पाते हैं, तो अभी हमारी वेबसाइट maths.com को लाजमी विजिट करें, क्लास 9th के गैस पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आ रही हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। अपना अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।